नमस्कार जोहार दोस्तों, बस्तरवासी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, सनराइज़ देखना चाहेंगे आप लोग? अगर देखना चाहेंगे तो चलिए आपको एक मैं सनराइज़ दिखाता हूँ, और मेरी पूरी वीडियो सनराइज़ जर्नी होगी, एक खूबसूरत सनराइज़ दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ, और कहाँ जा रहे हैं, क्या देखेंगे, कैसे जा रहे हैं, सब वीडियो में धीरे धीरे बताते जाऊँगा। उससे पहले जो नए आए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हो लाइक कमेंट करिए। चलिए मेरे साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक खूबसूरत सी सनराइज़ जर्नी। हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह में, जहाँ पर हम देखेंगे सुबह सुबह सूर्य उदय, भगवान सूर्य का उदय। चलिए मेरे साथ। दोस्तों, जगदलपुर से दुर्गम दुरु खूबसूरत और डरावने रास्ते को पार करके हम बेस कैंप पहुंचे। बेस कैंप में एक टेंट में हमने रात्रि विश्राम किया, और सुबह सुबह 4:30 बजे हम निकल गए 5000 फीट की चढ़ाई चढ़ने, जहां से हमें देखना था सनराइज़। ये कौन करता है, हम ही कर सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ चढ़ते हैं इन खूबसूरत पहाड़ी रास्तों पे, और अपने शरीर की भी परीक्षा लेते हैं कि सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे हम इतनी ऊँचाई पर चढ़ रहे हैं। बहुत अनोखा अनुभव है। तो चलिए हमारे साथ सनराइज़ देखने। ये तो ढोलकल टाइप का लग रहा है, है ना? दोस्तों, मैंने काफ़ी कुछ बताया, पर मैं ये नहीं बताया कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हम जा रहे हैं एक खूबसूरत जगह जो कि पहाड़ियों की ऊंचाई पे है, जहाँ पे एक तरफ नीचे आपको बादल दिखेंगे और दूसरी तरफ आपको सूर्योदय होता हुआ दिखेगा। बहुत ही अद्भुत जगह है। ये जगह है अरकू से भी 90 किलोमीटर आगे, और विशाखापट्टनम से भी 100 किलोमीटर आगे, पूर्वी घाट की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में खूबसूरत जगह है लांबा सिंगी। गूगल में भी आपको बहुत कम जानकारी मिलेगी, और अभी अभी नया खोजा गया एक डेस्टिनेशन है। काफ़ी लोग आते हैं, ज़्यादातर कपल और यूथ ज़्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ पर शारीरिक मेहनत ज़्यादा करनी होती है, और खूबसूरत जगह है। तो चलिए मेरे साथ आपको दिखाता हूँ लांबा सिंगी। पर मेरी ये जो लांबा सिंगी की यात्रा है, बहुत सारे पोपट को लिए हुए है, तो ऐसे हमारे साथ लाइन से जो पोपट होते रहेंगे वो बताऊंगा। अभी हम पहाड़ी चढ़ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा हमारे साथ क्या क्या पोपट हुए हैं, लेकिन जगह बहुत खूबसूरत थी, तो पूरा पैसा वसूल और मन की शांति मिली। तो चलिए आगे देखते हैं लांबा सिंगी की खूबसूरत पहाड़ियों को। तो दोस्तों, सुबह के 6:30 हो रहे हैं, और देखिए ट्रैकिंग कितनी खतरनाक है, सांस फूल रहा है, और अभी भी लगभग 1/2 किलोमीटर बाकी है। लांबा सिंगी पूरी परीक्षा ले रहा है, देखते हैं आगे व्यू पॉइंट कैसा होता है। देखिए खतरनाक ट्रैक, जहाँ से अभी हम ऊपर चढ़े हैं, कितना ढलान है, और आगे इधर जाना है। तो दोस्तों, पोपट नंबर 1 की शुरुआत होती है यहाँ पे। लगभग 2.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई, 80 डिग्री 70 डिग्री की खड़ी चढ़ाई चढ़ के हम लोग इस जगह पर आए। तो हमें पता चला यहाँ तो बाइक भी आ रही थी और 4-व्हीलर भी आ रही थी। ठीक है, इसके लिए मैं दोस्त लेकिन खुद को नहीं देता, इसके लिए दोस्त दिया जाएगा। हमारी भाषा का जो बैरियर है ना, वहाँ के लोगों को हिंदी आती थी ना, हमें तेलुगु आती थी, और अंग्रेजी भी हम दोनों को 50-50 आती थी। तो ठीक है, ये चलता है, आगे और पोपट होते रहेंगे, बताऊँगा। खूबसूरत जगह पहुँच गया, लगभग 5000 फीट की ऊँचाई पर हैं। सामने हमारे खूबसूरत खाई में बादल दिख रहे हैं, और पीछे हमारे पहाड़ के पीछे सूर्योदय होगा। हल्की हल्की लालिमा छाई है, जो थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, काफ़ी सुंदर दृश्य है। तो इस दृश्य को देखने के लिए हम आए हैं 300 किलोमीटर दूर से सिर्फ सूर्योदय देखने। तो दोस्तों, ये जगह काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट खूबसूरत है, और हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा खूबसूरत है। सामने देखिए पूरे बादल हैं पहाड़ के नीचे, और पीछे सूर्योदय हो रहा है। धीरे धीरे लालिमा घटते जा रही है, सूर्य का प्रकाश बढ़ते जा रहा है, काफ़ी सुंदर दृश्य, अद्भुत दृश्य है। ऐसा दृश्य मैं बहुत कम बार देखा हूँ, और मेरे को काफ़ी अद्भुत लग रहा है। वैसे हम लोग यहाँ आने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं, ना ही हमने इसे एक्सप्लोर किया है, डिस्कवर किया है। हजारों लोग हैं, पर अधिकतर 99% साउथ इंडियन या आंध्र प्रदेश के लोग ही हैं। यहाँ से आपको विशाखापट्टनम राजमंदिर से 100 किलोमीटर पड़ता है, इसलिए वहाँ से आसानी से आ सकते हैं। हमारे जगदलपुर से लगभग 300 किलोमीटर है, और हैदराबाद और विजयवाड़ा से भी 200 किलोमीटर जगह पड़ेगी। उत्तरी आंध्र प्रदेश की जगह है, हिल स्टेशन है, पूरा माहौल हिल स्टेशन का है, सुंदर माहौल है, सब तरफ खूबसूरत वृक्ष, हरा पूरी हरियाली है, काफ़ी के बड़े बड़े प्लांटेशन है, काफ़ी अच्छा यहाँ का
वातावरण है और भीड़ भी काफ़ी है। अगर आप यहाँ आना चाहें तो लंबासिंगी सर्च करके आप आ सकते हैं। यहाँ पे कोई भी होटल नहीं है, सिर्फ आपको रिसॉर्ट मिलेंगे जहाँ पे आप टेंट में सो सकते हैं। खाने की व्यवस्था भी उन लोग कर देते हैं, बहुत हाई क्लास का खाना नहीं मिलता, सादा खाना मिलेगा। पेट्रोल पंप से यहाँ से सबसे निकटतम पेट्रोल पंप 50 किलोमीटर है। ATM की सुविधा, एक ही ATM है जो कि कभी रहता है कभी नहीं रहता है। नेट की सुविधा है इसलिए ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है। और यहाँ पे अच्छे कोई खाने के लिए रेस्टोरेंट नहीं है, इडली डोसा आपको मिल जाएगा। तो ये सब यहाँ का है। जब भी आएँ तो एक यायावर बन के आएँ, ना कि VIP खोजने के लिए। अभी फ़िलहाल नहीं हो सकता, 2000 साल में हो जाए। तो चलिए आपको खूबसूरत दृश्य दिखाते हुए आगे इस जगह के बारे में और जानकारी देता हूँ और अपने पोपट भी बताता हूँ। दोस्तों मैंने सूर्योदय आपको काफ़ी दिखाया है, श्रीशैलम में दिखाया है, जगदलपुर का सूर्योदय दिखाया है, काफ़ी जगहों पे दिखाया है, लेकिन यहाँ का सूर्योदय काफ़ी सुंदर, मतलब काफ़ी अद्भुत था। क्यों अद्भुत था? क्योंकि मैं पहले जो दिखाया हूँ अकेले अलग अलग जगहों पे जाके दिखा हूँ, यहाँ पे जो था हजारों लोगों के साथ जो सूर्योदय हो रहा था और सूर्य की जो पहली किरण पड़ी बादलों के ऊपर, वो काफ़ी सुंदर दृश्य था। और लोग चिल्लाने लगे, काफ़ी हूटिंग होने लगी, सीटी बजने लगी, जैसे फिल्म में कोई सुंदर दृश्य देखने के बाद होता है, पूरा वैसी माहौल था। लेकिन हजारों लोग एक साथ चिल्ला रहे थे भगवान सूर्य के दर्शन करते हुए। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है सूर्योदय देखना, तो अद्भुत सूर्योदय मैं आपको दिखा रहा हूँ। लंबासिंगी के बारे में बता दूँ, काफ़ी खूबसूरत जगह है और काफ़ी सर्च करने के बाद मैंने इसे मतलब निर्णय किया कि एक्सप्लोर किया जाए। और ये अर्कू से 90 किलोमीटर आगे है और अभी बहुत ज़्यादा बाहर की भीड़ नहीं आ रही है, लोकल टूरिस्ट काफ़ी हैं, लेकिन भीड़ बहुत है वैसे तो। प्लान किया जा सकता है आने का। दोस्तों इन खूबसूरत नज़ारों को देख के अब हम चलते हैं नीचे की ओर। और सामने जो इतनी सारी कमांडर दिख रही हैं, ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे फेरी लगाती हैं और लगभग 100 रुपये लेती हैं आपको नीचे से ऊपर ले जाने या ऊपर से नीचे लाने का। और हमने जो पद यात्रा की थी उसके बाद तो हमारे में हिम्मत नहीं थी कि हम फिर से चल के जाएं, तो हमने कमांडर में जाना सुनिश्चित किया। और एक खूबसूरत ढलानों को देख के ही आप समझ सकते हैं कि हम कितने ऊपर चढ़े थे, लेकिन नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल था कमांडर से उतरते टाइम भी और अच्छा लग रहा था। तो चलिए अब नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारे साथ फिर से एक पोपट हुआ, पोपट नंबर 2। लेकिन उससे पहले बता दूँ कि पोपट नंबर 1 से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप अगर कहीं भी जा रहे हैं तो उस मार्ग को पता कर लें कि जहाँ से ज़्यादातर आना जाना होता है, ना कि भेड़ा चाल चल के जाएं। और अगर हम पता किए रहते तो हम कमांडर में आते और हमको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन ये अच्छा इसलिए हुआ कि हमारे शरीर का एक ओवरहॉलिंग हो गया। तो ये नीचे पहुँच के हमको पता चलता है कि जो पार्किंग है, पार्किंग स्थल से जहाँ से हमने गाड़ी खड़ी की है, वो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। अब हम लोग 2.5 किलोमीटर पैदल चलेंगे, फिर अपनी गाड़ी तक पहुँचेंगे और उसके बाद फिर आगे की यात्रा करेंगे। तो चलिए अपनी गाड़ी तक पहुँचते हैं, फिर आपको आगे और कुछ बताता हूँ, पोपट नंबर 3 भी बताऊँगा। इन खूबसूरत घाटियों से उतरते हुए, खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए, इन ख़तरनाक ढलानों से उतरते हुए हम अपने होम स्टे जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पहुँचे और अपना सामान लिया। अब हम आगे की ओर अर्कू की ओर जा रहे हैं और अर्कू से हम वापस लौटेंगे। तो रास्ते में कुछ एक दो स्पॉट जो पड़ेंगे उनको देखेंगे। ऐसा बोला जा रहा है कि रास्ते में एक वाटरफॉल है, हम उसको देखेंगे। लेकिन आपको बता दूँ कि ये वाटरफॉल जो है ये यहाँ से लगभग 20 से 30 किलोमीटर है। तो चलिए उस वाटरफॉल को देखते हैं और वहाँ पे और चर्चा करते हैं। दोस्तों अब हम अर्कू की ओर बढ़ रहे हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं, मन प्रसन्न हो जा रहा है देख के, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है। मैं आपको बता दूं कि अर्कू आंध्र प्रदेश का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, हिल टॉप है, इसलिए मानसून मौसम जो रहता है ठंडा ही रहता है, कभी भी आए गर्मी में भी अच्छी जलवायु रहती है, तो ये पूरा क्षेत्र ही काफ़ी खूबसूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि अब हम जो जा रहे हैं ये लगभग लंबासिंगी से 30 किलोमीटर दूर कोठापल्ली वाटरफॉल है। और ये जो वाटरफॉल है काफ़ी खूबसूरत बताया जाता है,
लेकिन यहाँ से हमारा तीसरा पोपट चालू होता है, क्योंकि हम जब इस वाटरफॉल में पहुँचे तो हमारे पास कैश नहीं थे, कैश हमने लगभग खर्च कर दिया था। तो ऑनलाइन आजकल लगभग सभी जगह चलता है, हम इसी लिए बेफिक्र थे, लेकिन इस जगह पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं था इसलिए ऑनलाइन भी नहीं चल रहा था, और हमें बिना कोठापल्ली वाटरफॉल देखे बिना वापस आना पड़ा। इसलिए आप जब भी आएँ तो कैश वैस रखें, इन बातों का ध्यान रखें, और कोठापल्ली वाटरफॉल ज़रूर देखें, काफ़ी खूबसूरत है ऐसा बताया जाता है। तो चलिए, पोपट नंबर 3 ख़त्म हुआ, फिर आगे की यात्रा चालू रखते हैं। दोस्तों, मेरी लांबा सिंगी की वीडियो आपको कैसी लगी और लांबा सिंगी जगह कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं अपने ऑडियो को विराम, कैमरे को आराम देता हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक ले जय बस्तर, जय भारत, जय जय माई दंतेश्वरी। अगली वीडियो में मैं अर्कू के कुछ एक दो स्पॉट दिखाऊंगा और उसके बाद इस यात्रा को समाप्त करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।